तो चूल्हे पे हम बनाने जा रहे हैं हलवा सर्दी के मौसम में। तो चूल्हे पे हमने रख दी है लोहे की कढ़ाई, तो सारी गाजर हम इसमें डाल देते हैं, कद्दूकस करके हमने रख ली है। तो ये 3 किलो गाजर है फ्रेंड्स मेरी, तो 3 किलो गाजर में फ्रेंड्स हम डाल देंगे इसमें 2 किलो दूध। तो 2 किलो दूध डाल देंगे हम इसमें और बढ़िया से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये गाजर में कितनी जल्दी उबाला आ गया है और सारी की सारी जो गाजर थी हमारी 3 किलो बिल्कुल बैठ गई है। तो चूल्हे पे बहुत ही जल्दी हलवा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो गाजर हमारी अच्छे से बैठ गई है, दूध को सूखने तक इसको हम पका लेंगे। चूल्हे पे हलवा बनाने का बहुत ही अपना टेस्टी मजा है। तो गाजर में जो पानी था बिल्कुल बढ़िया से सूख गया है और दूध जो डाला था हमने दूध भी बिल्कुल सूख गया है। तो अब डाल देंगे हम चीनी, तो चीनी आप स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हो। तो मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी डाल दिया है। तो चीनी डालने के बाद भी हल्का सा इसमें चीनी का पानी निकलता है, तो चीनी का पानी सुखा लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है चीनी का पानी सूखते। तो गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी हमारा बनने वाला, छत के ऊपर हम इसे बना रहे हैं। तो अब जो है हम इसमें डाल देते हैं खोया। तो खोया है जो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम खोया ले लिया है, तो इसको मैं बढ़िया से छून के डाल दूंगी। तो इसी तरीके से तोड़ के डाल देते हैं। तो खोया डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जिस तरीके के हम बाहर से लेके आते हैं ना इसी तरीके से। तो खोया डालने के बाद इसको बढ़िया से मिला लेंगे, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में हमने यहाँ रख दिए हैं ड्राई फ्रूट, ये भी हम डाल लेते हैं। तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट हैं जो भी आप खाना पसंद करते हो वो वाले। तो 5 मिनट में सारी चीजें डाल के फ्रेंड्स हलवे को रेडी कर लूंगी। तो फर्स्ट क्लास ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल टेस्टी सा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में चूल्हे पे बनाया है, बहुत ही अच्छा रेडी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।